जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नीतीश कुमार का बना रहे हैं करने के लिए तैयार है सब कुछ काल भरत के हाथा सब पॉजिटिव है सर पॉजिटिव है भाई श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। संगठन का बात हमें बढ़े चलो गढ़े चलो सुपंत पर बढ़े चलो भला हो जिसमें देश का वो सब काम किए चलो। अरे आला कमान का निर्देश होगा तो उसको सब पालन करेंगे ये तो एक स्वाभाविक। आप लोग कहते थे कि कंधे पर नहीं बैठाएंगे आप लोग कहते थे हमेशा आप कंधा पर मेरा मफलर है तो बैठाएंगे कि स्वागत करेंगे आप लोग। अरे अभी वर्तमान घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं पूरी तरह से। नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह। आपके साथ देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे से चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। लेकिन कोई भी विधायक हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई भी वरिष्ठ नेता बीजेपी के जो है वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है कोई भी अभी किसी भी बात को लेकर के कमेंट नहीं किया है। सबका एक ही जवाब है नो कमेंट। साथ ही साथ अश्विनी चौबे जो है उन्होंने जो है कही है वही हुई जो राम रखी चाह, यानी कि वो पहले भी यही बात बोले थे बैठक में आने के क्रम में और जाने के क्रम में भी वही बात बोले थे। नित्यानंद राय आने के क्रम में मुस्कुराए थे और जाने के क्रम में भी वो सिर्फ मुस्कुराए कुछ भी नहीं बोले। देखिए तारकेश्वर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है वो थोड़ा बहुत कुछ बोले हैं लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं बोले हैं। साथ ही साथ और भी तमाम नेता जो है बैठक के बाद क्या कुछ बोले हैं वो आपको पहले हम सुनाते हैं। अरे भाई मैंने पहले कहा जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नीतीश कुमार का बना रहे करने के लिए तैयार है सब कुछ काल भरत के हाथा सब पॉजिटिव है सर पॉजिटिव है राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बैठक में क्या बात हुई श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। नीतीश कुमार आ रहे हैं आप लोगों के साथ बैठक में क्या बात हुई सर भाई श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। संगठन का बात हमें बढ़े चलो गढ़े चलो सुपंत पर बढ़े चलो भला हो जिसमें देश का वो सब काम किए चलो। आज नीतीश यही बैठक में बात हुआ संगठन का और क्या आपके साथ क्या सर? वो बोलेंगे प्रवक्ता बोलेंगे जिनको दायित्व दिया है वो बोलेंगे। किसी किसी का हम लोग कोई स्वागत नहीं कर रहे हम लोगों की पार्टी की बैठक। नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या सर जो स्टैंड जो पूरी तरह से आरजेडी भी उनके अब खिलाफ बोलने लगी है। नहीं ये हम लोग नहीं बता सकते हमारे यहाँ इस तरह की कोई बैठक नहीं थी। लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम लोगों के संगठन का मीटिंग था और बिहार में हम 400 सीट कैसे जीतेंगे इस पर बात हो रही थी। नीतीश कुमार के साथ जीतने पर नीतीश कुमार जी की कोई चर्चा नहीं सिर्फ अपनी पार्टी की चर्चा। स्वागत करेंगे आप लोग। अरे अब जो अगर मगर में कोई बात नहीं जो पार्टी का निर्देश नहीं है जो पार्टी की बात नहीं है जो चर्चा नहीं उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम पे कोई चर्चा नहीं हुई सर। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव पर सिर्फ चर्चा था में भी क्या बीजेपी कुछ बिहार के लोगों को नई सरकार बना के कुछ बदलाव देने जा रही है। आज गांव चलो अभियान कन कन मेरा नीतीश जी को क्या नीतीश कुमार के साथ आने के लिए भी इस संबंध में आज की बैठक में ये माइक नीचे करो भाई किसी भी बिंदु पर चर्चा लोकसभा चुनाव पर बुलाया गया था और उस पर चर्चा हुई और उसी चर्चा के आलोक में आज की बैठक सरकार बन रहा सरकार हम लोग साथ हैं ये कंसेंसस बना है कि हम लोग साथ हैं आलाकमान के फैसले में जो भी बिहार की राजनीति को लेकर करा जाएगा सर। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जी बात सरकार बन रही है प्रदेश अध्यक्ष जी बात सवाल सरकार बन रही है नहीं अब तो हम मुझे नहीं पता है अभी सांगठनिक बैठक हुई थी उस पर चर्चा हुई। नीतीश को अकेला छोड़ेंगे क्या आप लोग? नीतीश को अकेला छोड़ देंगे इस बिंदु पर चर्चा ही अभी नहीं हुई क्या आने के लिए तैयार है अकेला छोड़ देंगे या साथ रखेंगे? ये विषय तो फिर कल की बात कल अगर प्लानिंग करते हैं तो आने वाले समय में अगर मान लीजिए अकेला रहेंगे तो कहीं से नहीं रह जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए ये सारी चीजें हम सब तय नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के लिए आलाकमान इस मामले में तय करेगा सब लोग साथ हैं इस बारे में कोई अरे आला कमान का निर्देश होगा तो उसको सब पालन करेंगे ये तो एक स्वाभाविक। आप लोग को क्या लगता है आप लोग कहते थे कि कंधे पर नहीं बैठाएंगे आप लोग कहते थे हमेशा आप कंधा पर मेरा मफलर है तो बैठाएंगे कि नहीं? प्रणाम कर रहे हैं नीतीश कुमार को स्वागत कर रहे हैं या कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? बैठक थी लोकसभा से संबंधित राज्य लक्ष्मी बैठक संबंधित बता दीजिए बैठक संबंधित
सब लोग बोला है कैमरे थोड़ा माइक थोड़ा नीचे करेंगे तो कैमरे माइक नीचे कीजिए पीटीआई माइक लगा हुआ है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी बातचीत हुई है, जो सियासी हलचल बिहार में चल रही है। आज की बैठक पूरी तरह से संगठनात्मक बैठक थी और अध्यक्ष जी उस पर बता चुके हैं, इसलिए उस पर कहने की जरूरत नहीं। स्वीकार है, मैंने कह दिया कि आज की बैठक संगठनात्मक बैठक है और मैं पहले वक्तव्य दे चुका हूँ। अभी वर्तमान घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं पूरी तरह से। तो आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से तमाम विधायक जो है, केंद्रीय मंत्री जो है, कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रेयसी सिंह जो है वो बहुत ही तेजी से मीडिया कर्मी से बचते हुए बाहर निकल गई है और अपने गाड़ी में बैठ करके प्रणाम कर ली, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रही, यानी कि चुप्पी सभी साधे हुए हैं। देखिए अभी जो है नीतीश कुमार अपने आवास पे जेडीयू के जो है तमाम विधायक उनको चाय पार्टी पे बुलाए हैं और वहाँ कुछ क्या निष्कर्ष निकलता है। वहीं जीतन राम मांझी जो है वो भी अपने आवास पे विधायक को बुलाए थे और उनकी भी बैठक खत्म हो गई है और बीजेपी की भी बैठक खत्म हो गई है। कल जो है जेडीयू की बैठक 10 बजे होने वाली है और उस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इसी भी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार जो है वो 7:30 बजे के आसपास ये खबर आ रही थी कि वो जो है राज्यपाल से मिल सकते हैं, लेकिन अब जो है वो भी समय निकल गया, लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वर्तमान की राजनीति को लेकर के क्या कुछ हो पाता है। आगे आपको हम हर चीज का अपडेट दे रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे खबर देखते लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।